नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेल तड़का में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रोकली की एकदम डिफरेंट स्टाइल सब्जी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। हमारी आज की रेसिपी एकदम हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है। जिसको ब्रोकली पसंद नहीं होगी उसको भी ब्रोकली से प्यार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करें हमारी आज की रेसिपी। आज की सब्जी हम बेसन के साथ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच बेसन लूँगी, 1 चम्मच है कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच है मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच है गरम मसाला। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 चम्मच डालेंगे हम नमक। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया अच्छे से। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से लाल होने देंगे। लाल होने के बाद ही हम ब्रोकली को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो ब्रोकली का इस्तेमाल किया है, आप ज़्यादा या कम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली को मैंने अच्छे से कट कर लिया था और अच्छे से धुल लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे बिना ढके हुए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम हाई रखना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारा बेसन ऐड कर लेंगे। ध्यान रखें हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ब्रोकली खुद ही अपना पानी छोड़ती है। अब हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक हमारा बेसन सारा ब्रोकली के ऊपर कोट नहीं हो जाता। अच्छे से चलाते रहेंगे और ध्यान रखें हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तेज रखेंगे तो हमारा बेसन जल जाएगा और हमारी ब्रोकली अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी, तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। दस से 15 मिनट हमें इसको इसी तरह से चलाना है। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा बेसन अच्छी तरह से कोट हो गया है ब्रोकली के ऊपर। अब हम इसको निकाल लेंगे और हम अपने तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अच्छे धो लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। और हरी मिर्च, यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च लिए हैं। और मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज। अब इनको अच्छे से सौते कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे इसको। तो हमारे प्याज और मिर्च गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टमाटर ऐड कर लेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे इनको। दो मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। दो मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे
और थोड़ी देर के लिए और ढककर रख देंगे। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और पानी भी अच्छे से पक गया है हमारा। अब हम इसमें ब्रोकली ऐड कर देंगे जो हमने बनाई हुई है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आराम से मिक्स करेंगे वरना ब्रोकली टूट सकती है। अब हम इसमें ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो हमारी सब्जी पक्के तैयार हो गई है। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी मस्त सब्जी बनके तैयार हो गई, एकदम टेस्टी और हेल्दी। ब्रोकली बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आपको ब्रोकली पसंद नहीं है तो इस तरीके से सब्जी बनाइए, खुद भी खाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम अनोखी और टेस्टी रेसिपी के साथ में।